नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, एक पत्नी और 20 प्रेमिकाओं के साथ महल में रहता है ये राजा। दोस्तों, आजकल के जमाने में भी एक ऐसे राजा हैं जो अपनी एक पत्नी होने के बावजूद भी अपनी 20 प्रेमिकाओं के साथ महल में रहते हैं। जी हाँ, राजा बनना कभी भी आसान नहीं होता। थाईलैंड के राजा महा वाजीरा लोंगकोर्न के लिए ये और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपनी प्रजा के साथ उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करना होता है। अपनी बॉडीगार्ड से शादी करने के बाद वो अपने साथ 20 और महिलाओं को हरम में रखते हैं। थाईलैंड के राजा उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को एक साल जेल में रखा था। रिहाई के तुरंत बाद उनकी पत्नी को जर्मनी में राजा के हरम में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। आइए जानते हैं इस राजा की जिंदगी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। राजा वाजीरा लोंगकोर्न अपने पिता की मौत के बाद साल 2019 में राजा बने थे। अपने राज्याभिषेक से कुछ दिनों पहले ही थाईलैंड के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी कर ली थी। वाजीरा लोंगकोर्न ने अपनी पत्नी को रानी सुधिदा की उपलब्धि दी थी। हालांकि उनकी ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और अनबन के बाद राजा ने अपनी पत्नी को जेल भेज दिया। एक साल जेल से रिहाई के तुरंत बाद अपनी पत्नी को जर्मनी में राजा के हरम में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। इसके पहले भी राजा वाजीरा लोंगकोर्न 3 बार शादी कर चुके हैं, लेकिन उन महिलाओं से उनका तलाक हो चुका है। राजा के उन महिलाओं से 7 बच्चे भी हैं। सिर्फ शादी ही नहीं, ये राजा अपनी पत्नियों के अलावा हरम में अपने साथ कई महिलाओं को रखता है। राजा के हरम को थाईलैंड से खास तौर से मंगवाए गए सोने और चांदी से सजाया गया है। वो मार्च महीने से जर्मनी के एक होटल में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। जर्मनी के 4-स्टार होटल में राजा के लिए एक खास हरम बनाया गया है। इस हरम में राजा 20 सेक्स सोल्जर के साथ आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। बता दें कि राजा की आलोचना भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे करने वाले को 15 साल की सजा दे। सबसे खास बात यह है कि राजा की कोई भी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी राजा की आलोचना करता है तो उन्हें 15 साल की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, आप किस राजा के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में इस तरह की मानसिकता वाले राजा आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें।